वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आजकल हम एक प्रॉब्लम और फेस कर रहे हैं जो कस्टमरों से बातचीत होती है हमारी। हमने एक एक्सपीरियंस किया है कि हमारी मशीन स्लो चल रही है, कुछ समय बाद ये स्लो हो जाती है। विंडो 10 आने के बाद ऐसा हुआ है कि मशीनें स्लो हो जाती हैं। कारण क्या है? जो कारण हमने ऑब्जर्व किया है वो कारण है कि जो हार्ड डिस्क आजकल आ रही है वो 5400 RPM में है और विंडो 10 थोड़ा हैवी होता है, इसलिए उसके डाटा ट्रांसफर स्पीड उस क्वालिटी की नहीं हो पाती है, इसलिए मशीन स्लो हो जाती है। तो इसका हमने एक इलाज आपको हम बता रहे हैं कि क्या इलाज है। इसका इलाज है हम अपनी मशीन को SSD में कन्वर्ट करा ले। एक होता है आपको SATA SSD लगानी पड़ती है, एक SATA SSD उस कंडीशन में होती है जब हमारे उसमें स्लॉट नहीं दिया जाता कि हम अलग से SSD लगा सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि 7th जनरेशन से ऊपर या 7th जनरेशन की जो भी मशीनें हैं उनमें M.2 या NVMe का स्लॉट होता है जिसमें हम ये SSD लगा सकते हैं। NVMe या M.2, NVMe और M.2 हार्ड डिस्क के साथ ही लग जाती हैं। आपकी हार्ड डिस्क भी रहेगी, 1 TB का स्पेस आपका जो होगा वो डाटा के लिए यूज कर सकते हैं, और NVMe SSD या M.2 SSD जो हम 256 GB या 128 GB लगवा सकते हैं, उसमें क्या होगा कि आपका विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा। विंडो इंस्टॉल होकर आपकी डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है, विंडो को डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड होती है वो 10 times फास्टर हो जाती है SSD से। तो इस प्रकार आपकी मशीन बिल्कुल फिर ओके चल जाएगी। क्लिक करते ही आपको काम होगा। हमने क्या देखा है कि आप काम करते हो, जैसा हार्ड डिस्क पे काम करते हैं तो आप क्लिक करते हो तो मशीन नॉट रेस्पॉन्डिंग टाइप में चली जाती है, गोल गोल घूमता रहता है। तो ये सब कारण उसी की वजह से होता है। आप अपनी मशीन में SSD लगवाओ, यदि SSD M.2 का ऑप्शन है तो उसमें M.2 या NVMe SSD लगवाओ, अदरवाइज नहीं ऑप्शन है तो फिर आपको रिप्लेस करानी होगी हार्ड डिस्क उसके साथ SSD के साथ। और वो एक ऑप्शन और होता है उसमें कि हमारे पास यदि M.2 का ऑप्शन नहीं है या NVMe का ऑप्शन नहीं है तो फिर हम उसको DVD को हटा के उसमें KD लगा के आपके हार्ड डिस्क को उसमें फिट कर देते हैं और ऐसे हार्ड डिस्क की जगह SSD लग जाती है। मशीन आपकी जो बूट होगी फिर वो SSD के थ्रू होगी और मशीन फास्ट हो जाएगी आपकी। आपको हमारा वीडियो किस प्रकार यूजफुल लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू।